पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर स्थित संवाद भवन दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ द्वारा एकात्म मानव दर्शन एक संपूर्ण विचार पर संगोष्ठी आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन एक संपूर्ण विचार विषय पर आयोजित गोष्ठी में मुख्य अतिथि व वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के स्वागत सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निर्देशक डॉक्टर संजीत कुमार गुप्ता, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, पूर्व कुलपति यूपी सिंह, प्रतिकुलपति हरिशरण, महिला आयोग की उपाध्यक्ष व पूर्व मेयर अंजू चौधरी, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के अध्यापकगण और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक डॉक्टर संजीत कुमार गुप्ता ने कहा। समर्पण कर, उनको लगा के
जनरेशन के बारे में सुनने के बाद हमें लगता है कि हमारी जो नई जनरेशन है उसे तब जो छात्र छात्राएं हैं और जो शिक्षक हैं जिनके नाम पे विश्वविद्यालय है और शोधपीठ की स्थापना राज्य सरकार ने अभी से 2-3 साल में किया है, 2 वर्ष पहले किया है और शोधपीठ में एक धनराशि भी उपलब्ध कराया है वर्तमान सरकार ने, तो सबसे पहले तो मैं वर्तमान सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक स्वागत देता हूँ कि उन्होंने दीनदयाल जी की जो परिकल्पना थी, जो उनकी विचारधारा थी, जो एक एकात्म मानववाद के बारे में उनकी परिकल्पना थी, जो कि आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ महात्मा गांधी जी की भी परिकल्पना जब आज़ादी की लड़ाई थी तो एक संपूर्ण स्वराज की थी जिसमें उनका ये मानना था कि भारत एक राष्ट्र है और राष्ट्र वहाँ की संस्कृति पर निर्भर करता है और हमारे देश की संस्कृति प्राचीन काल से ही बहुत समृद्ध रही है। जिस समय भारत को विश्व गुरु माना जाता था, सूर्य की चिड़िया माना जाता था, उस समय यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था जो हमारी थी, गुरुकुल की जो परंपरा थी, बहुत समृद्ध थी। लेकिन धीरे धीरे चूँकि भारत एक समृद्ध देश था, यहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशन है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, वह मानव समाज के अपना जीवन यापन के लिए बहुत ही उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति यहाँ इस जोग्राफिकल कंडीशन में यहाँ का जो एनवायरनमेंट है आराम से रह सकता है। हमारे देश में ऐसी विकट परिस्थिति नहीं है यूरोपियन कंट्रीज की तरह से कि बहुत कस के ठंड पड़ती हो, कि अगर मैकेनाइज लाइफ ना हो तो जीवन संभव नहीं है। क्योंकि जब औद्योगिकरण हुआ आज से 100 साल पहले तब ये कंट्री आबाद और उसके पहले जब मैकेनाइजेशन नहीं था तो कोई परिकल्पना नहीं कर सकता था कि इन देशों में यूरोपियन कंट्री में जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है वहाँ जीवन यापन किया जा सकता है। लेकिन चूँकि भारत में नदियाँ थी, जंगल थे और अच्छा वातावरण था जीवन यापन के लिए मानव समाज के लिए, तो प्राचीन काल से ही भारत की जो संस्कृति है समृद्ध रही है। आज़ादी के बाद जब पंडित दीनदयाल जी को ये लगा कि उस समय जो अवस्था में थे वो उन्हें लगा भारत अपनी आज़ादी तो हो गई लेकिन पूर्व देशों से भटक रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति को वह बल नहीं मिल रहा है जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी है, चाहे वो तुलसी जी के समय हो, बीच में जब हमारे देश गुलाम हुआ, अंग्रेजों के पहले भी गुलामी की पीढ़ियाँ झेला है और बाहर की संस्कृतियों ने यद्यपि इन पर आक्रमण किया लेकिन जो हमारी इनटॉलरेंस की जो हमारी संस्कृति है उसमें वो विचारधाराएँ आई और हमारे हिंदुत्व की विचारधारा भी सम्मिलित हो गई। और विवेकानंद जी ने माना था हिंदुत्व तो जो है कोई एक धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है, एक जीवन प्रणाली है, जीने का एक रास्ता है और हमारा जो कला है, साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है वही हमारा राष्ट्र है। आज दीनदयाल जी के जयंती के पूर्व संध्या पर विश्वविद्यालय के शोधपीठ द्वारा जो है एक संगोष्ठी आयोजित की गई है। इस संगोष्ठी में आज के जो मुख्य वक्ता के नाते हमारे बीच में माननीय रामलाल जी, आज वर्तमान समय में अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। इसकी पूर्व में आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में थे। आपका आज उद्बोधन यहाँ प्राप्त हुआ है, आपने यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि पूरे विश्व में अगर कोई एक मार्ग है जिस पर पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है तो वो शायद एकात्म मानव दर्शन का है। एकात्म मानव दर्शन वास्तव में एक संपूर्ण विचार है और इसी विचार को लेकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का शोधपीठ ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। आज इस सभा में जो है विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बंधु, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, संकाय अध्यक्ष तथा इस महानगर के बहुत सारे जो है गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी लोगों ने दीनदयाल जी के विचारों से अपने मन के अंदर एक ऐसा भाव लाने का प्रयास किया है जो आगे चलकर भविष्य में पूरे समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा।